बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे मन मंदिर के परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, आदरणीय भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं नन्हे मुन्हे बच्चों, एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की छाया, सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में, थे अनेक जन्मों के संचित भभक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में, साँच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी, धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी, अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी, निर्भय और निरपेक्ष गिरा तेरी दुनिया से नारी, एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दम्भी को प्रेम फुहारा देकर, वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सत्य दाता सत तेरा धन था, तुम थे तुम ही समान तुम्हारी वाणी तब वाणी सी, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। बोलो सद्गुरुदेव की जय। गुरुवर कबीर का संदेश यह है कि वह हर प्राणी हर जीव के प्रति प्रेम सद्भावना और अच्छे विचार हमारे भीतर में होना चाहिए, और ये कब होगा इसके लिए सद्गुरु कबीर साहब की कुछ शर्तें हैं। अगर आप सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो गुरुवर कबीर की शर्त है ये तब होगा जब मन में पवित्रता होगी। जब मन में पवित्रता होगी और हृदय में निष्कपटता और विचारों की पवित्रता और आचरण की सात्विकता। सद्गुरु कबीर साहब प्राणी मात्र के लिए दया करो, प्रेम करो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ। सद्गुरु कबीर साहब की जितनी भी वाणी है वो मन को शुद्ध करने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हम सबको संकेत करते हैं। साहब कहते हैं तुम इस दुनिया के चारों धाम घूम लो,
आपको कहीं भी सुख और शांति विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो निज घर में। साहब ने कहा है ना, कबीरा मानव तन मिला। साहब कहते हैं, हे मनुष्य, हे जीव, इस जीवन में मनुष्य का तन मिला हुआ है, कबीरा मानव तन मिला, तो इस तन की कीमत समझो। तुम धन की कीमत समझते हो लेकिन तन की समझ नहीं समझते हो, है ना। ये कितना बड़ा रत्न है, साहब ने कह दिया है ना, कबीरा मानव तन मिला, सब रत्नों की खान, भूल मिटे सब युगन की, निज पारख पहचान। आदमी धन के पीछे कितना हाय तौबा करता है, दौड़ता रहता है। धन कमाना गलत नहीं, बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए धन उपयोग की चीज़ है। धन के बिना हमारा जीवन गुजर नहीं हो सकता, लेकिन कितना है ना, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, है ना। लेकिन आदमी कहते हैं ना कि पर्याप्त मात्रा में अपने पास धन है, संपत्ति है, लेकिन और इतना हो जाए, और इतना हो जाए, लेकिन उसी के पीछे आदमी अपने स्वास्थ्य, अपना परिवार, अपना कुल कुटुंब सब कुछ भूल जाता है। अपने घर के लिए जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए समय नहीं दे पाता है, है ना। कहते हैं समय नहीं है, है ना। समय क्यों नहीं भाई, किसके किसके पास समय है? सबके लिए तो प्रकृति ने, परमात्मा ने समय सबके लिए बराबर दिया गया है, लेकिन एक आदमी होता है पर्याप्त समय निकाल लेता है ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए, है ना, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए समय निकाल लेता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि क्या करें महाराज, समय कम है, समय नहीं मिलता है, है ना। ये हमारी नादानी है, भूल है। साहब कहते हैं, कबीरा मानव तन मिला, सब रत्नों की खान। देखिए, जितने भी रत्न आप गणित लगा लीजिए, उससे कहीं ज़्यादा कीमती ये अपना शरीर है, तन है, है ना। इसलिए कहते हैं, धन की कीमत कम समझो, लेकिन जो घर में जन है, जन मतलब जो सदस्य हैं, उसको धन समझो। उसको अगर धन समझोगे, घर के सदस्य को, तो गलत काम नहीं करो, क्योंकि धन की कीमत हम ज़्यादा आंकते हैं। और जो घर में धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उस धन की कीमत हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम पाप पर पाप करते जाते हैं और भूल पर भूल करते जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु संत याद दिलाते हैं कि जरा समझो, विचार करो, और समय समय से महापुरुषों की वाणी सुनो, संतों के पास जाओ, तब ये तुम्हारे जो भीतर के हृदय में जो कपट की भावना है, मन मैला है, वो शुद्ध होगा। है शरीर को शुद्ध करने के लिए तो लोग गंगा, यमुना, कई जगह यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, और सोचते हैं कि इससे हमारा मन शुद्ध होगा, हृदय पवित्र होगा। नहीं, मन शुद्ध और पवित्र तभी होगा जब हम अपने भीतर के दोषों को, बुराइयों को एक एक करके निकालते जाएंगे। सबसे पहली बात तो अपनी बुराई, अपनी कमी हमको दिखाई नहीं देती। सद्गुरु संत लिखाते हैं, बताते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई, है ना। परख करने की शक्ति सभी जीव में है, सभी प्राणियों में है, है ना। लेकिन कहते हैं ये मनुष्य का शरीर मिला, इसलिए ये प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। इस धरती तल का सिरमौर प्राणी कहा जाता है मनुष्य को, क्योंकि वह इसी जीवन में वह सत्संग, भक्ति, सेवा, स्वाध्याय कर कर के और संत गुरु की सेवा की शरण में जा कर के अपने भीतर के कलमश को, अपने बंधन को वह छुड़ा सकता है और इसी जीवन में परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो सतगुरु कबीर का मानव मात्र के लिए संदेश है कि इसी जीवन में रहते रहते
हे जीव हे मनुष्य अपने बंधन का काटने का काम कर लो। पता नहीं इस जीवन के बाद किस योनि में किस खानी में जाएं कोई पता नहीं। आप लोग देखते होंगे इस संसार में कितने जीव प्राणी हैं, आप देख रहे हैं कितना दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंखें जो है बंद की बंद है, खुल नहीं पा रही है। बाहर की दो आंख तो है ही, लेकिन भीतर भी दो आंख है, कम से कम उससे भी हम विचार नहीं करते, है ना। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि विचार करें, और विचार करके इसी जीवन में हम अपने आप की भूल को मिटा करके पारख ज्ञान का प्राप्त करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। साहब कहते हैं, कबीरा मानव तन मिला सब रत्नों की खान, भूल मिटे सब युगन की निज पारख पहचान। हम सबको चाहिए कि सारी भ्रांतियों अंधविश्वास चमत्कार को मिटा करके हम अपने निज पारख में अपने आप में खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें। यही इस मनुष्य जीवन की सफलता है, और हम सब इसीलिए महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हम उनके पद चिन्हों पर हम चल सके, अपने जीवन को भी वैसे ही बना पाए। इसीलिए सत्संग, स्वाध्याय, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और संत गुरु यही सब जगा रहे हैं, लखा रहे हैं। इसकी सार्थकता तभी है जब हम महापुरुषों के बताए हुए पदचिन्हों पर चलें, और चल करके हम इसी जीवन में मनुष्य जीवन की सार्थकता को सफल करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। अभी हम सब उमेंद्र साहेब जी के बहुत सुंदर एक कविता, सद्गुरु अभिलाष साहेब द्वारा रचित एक कविता भी श्रवण किए, और उनके जो कबीर साहेब के ने जो सत्य का संदेश दिया हम लोगों के लिए, उस सत्य के संदेश को अपने विचार के रूप में हम लोगों के समक्ष उमेंद्र साहेब बहुत सुंदर ढंग से रखे। उस विचार को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। हम महापुरुषों को तो सुनते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उसकी नहीं मानते हैं। उनकी जो बातें हैं उनको मानना ये अलग बात है, महापुरुष को मानना और उनकी बातों को मानना, ये दोनों में अंतर है। हम महापुरुष को तो मान लेते हैं, उनकी आरती पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुधार नहीं होता है। हम भले उसके महापुरुषों को नाम ना लें, उसकी आरती पूजा ना करें, लेकिन उसकी बातों को मान लेते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर हम विचार श्रवण किए। अब हमारे समक्ष हमारे साथी जो इलाहाबाद में भी रहते थे पहले, अभी वर्तमान में इसी आश्रम में हैं, संत श्री अखिलेंद्र साहेब जी, आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी कबीर जयंती के अवसर पर अपनी मधुर वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, सद्गुरु कबीर की 623वीं जयंती पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। सद्गुरु की उपाधि सिर्फ सद्गुरु कबीर को दिया जाता है। सद्गुरु कबीर एक ऐसा विराट पुरुष हुए जिसके बारे में कहना बहुत ही सरल और देखा जाए तो बहुत ही कठिन, दोनों तरह की बात है।
अगर जबान से कहा जाए तो बहुत ही सरल है, लेकिन जीवन में जिया जाए तो बहुत ही कठिन है। वो सद्गुरु कबीर है। सद्गुरु कबीर एक ऐसा महापुरुष हुए हैं भारतीय परंपरा में जिसको सबने स्वीकार किया, अन्य महापुरुषों को सबने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सद्गुरु कबीर को हिंदू मुसलमान सब मानने के लिए तैयार हुए, अन्य पुरुषों को नहीं। सद्गुरु कबीर वो बातें कहते थे जो आदमी के समझ में आए और उनके दिल और दिमाग में वो बातें बैठ जाए। सद्गुरु कबीर ने वो बातें कही जो कि समाज को जोड़ने का काम किया, परिवार को जोड़ने का काम किया। सद्गुरु कबीर ने कभी ऐसी अटपटी बात नहीं कही है जिससे विखंडता पैदा हो, जिससे विकराल पैदा हो, जिससे आडंबर पैदा हो, जिससे कर्मकांड हो। वो बातें सद्गुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब प्रेम से जीने का तरीका बताते हैं, अध्यात्म रस तक पहुंचाते हैं और अंतिम ऊंचाई तक ले जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब वो बातें कहते हैं। और जब सद्गुरु कबीर साहब धर्म की बातें कहते हैं तो उसे कोई धार्मिक कहते हैं, जब अध्यात्म की बात कहते हैं तो अध्यात्मवादी कहते हैं, और जैसी जैसी स्थिति देखते हैं वैसे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। वो उनके सामने जैसा विचार आता है, जैसा समाज आता है, वैसे ही वो विचार बोलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब अकड़े हुए नहीं थे, जैसे जैसे माहौल मिलता गया वैसे वैसे विचार कहते चले गए। आवाज़ इसलिए सद्गुरु कबीर के मानने वाले की मानने वालों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। सद्गुरु कबीर के बातें जो आज से 623 वर्ष पूर्व कहे हैं वो बातें आज भी विज्ञान के साथ बराबर बैठती है, टकराती नहीं है। जो बातें आज विज्ञान कह रहे हैं उन बातों को सद्गुरु कबीर साहब 623 वर्ष पूर्व कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। आदमी को प्रेम से किस प्रकार से अपने सहारा दे करके आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रेम दिया जाए, कैसे आपस में स्नेह हो, इन सब बातों को लेकर के चलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जब अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। ऐसा पुरुष मुझे और नहीं दिखते हैं। कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों, आप उनके शब्दों को देखिए, मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ, जो अब की पुरिया जो निर्वारे, जो अब की पुरिया वासनाओं की पुरिया का निवारण कर देते हैं, सो जन सदा आनंदा। कोई बड़े पुरुष इतना प्रेम से इतना करुणा विगलित होकर के किसी के सामने जा करके अगर कहे कि मैं तुम्हारे चरणों को वंदना कहता हूँ, दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, क्या लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे? सद्गुरु कबीर के पास में वो कला थी जो कि जन मानस को जोड़ते गए। सद्गुरु कबीर साहब, एक चीज़ और बताऊँ मैं, सद्गुरु कबीर साहब जन समाज में पैदा हुए। सद्गुरु कबीर को जनमानस मिला, बुद्ध हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, इनको सबने स्वीकार नहीं किया। महापुरुष वो भी हैं लेकिन सबने स्वीकार नहीं किया। जितना सद्गुरु कबीर को स्वीकार किया उतना इन महापुरुषों को सबने स्वीकार नहीं किया। आप देख लीजिए, श्री कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान बुद्ध है, ये बड़े बड़े राजमहलों में गाने वाले गीत हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोग स्वीकारते हैं, कोई कोई स्वीकारते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर को सब स्वीकारते हैं। सद्गुरु कबीर की विशेषता ये थी, क्योंकि वो बातें जो कहते थे वो महापुरुषों, वो बड़े बड़े लोगों को समझ में आती थी, लेकिन जो बातें सद्गुरु कबीर साहब कहते थे वो जनमानस में, जनमानस के भाषाओं में कहते थे, जनमानस में चर्चा करते थे और सिंपल और सादा शब्दों में कहते थे, इसलिए सद्गुरु कबीर को सब स्वीकार किए। आज कोई भी प्रवक्ता है जो सद्गुरु कबीर की बातों को नहीं लेते हैं तो उनकी बातें अधूरी लगती है। आप देख लीजिएगा, चाहे रामायण मंच में बैठिए, चाहे भागवत में बैठिए, चाहे किसी भी संत परंपरा के संत बोले या कोई भी प्रवक्ता बोले, जब तक सद्गुरु कबीर की बातों को व्याख्यान नहीं देते हैं तब तक उनकी बातें अधूरी सी लगती है। सद्गुरु कबीर की बातें ही उन बातों को पूरा करती है, उन खाइयों को भरती है, जो बीच में दरार पैदा होते हैं उन खाई को समेटते हुए, दरारों को समेटते हुए सद्गुरु कबीर के बातें चलती हैं।
सदगुरु कबीर के एक बातें एक लाइनें अगर जीवन में आचरित हो जाए तो जीवन में कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। बस इतना ही जीवन कल्याण के लिए काफ़ी है। जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए उस समय भी गंगा माँ की प्रसिद्धि थी, आवाज भी प्रसिद्धि है, उस समय भी गंगा की काफ़ी प्रसिद्धि चल रही थी। तब की बात कहते हैं, जाको मन निर्मल भया, कैसे निर्मल, फिर उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी पवित्र होता है वैसे ही मन यदि निर्मल हो गया, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, उसके पीछे फिर हरी फिरता है, उसके पीछे हरी दौड़ते हुए चले जाता है कबीर कबीर पुकारते हुए। मतलब है कुल मिलाकर के मन को शोधना। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी कहा करते थे, मन को रुई की तरह ढूंढ डालो। जैसे रुई को ढूंढने के बाद में उसका जो गर्दा गुब्बार होता है वो नीचे चला जाता है और रुई हल्का हो जाता है, ठीक उसी तरह मन को ढूंढ डालो। मन को हम जितना ही ढूंढते हैं मन उतना ही हल्का होता जाता है और उतना ही हम पवित्र हो जाते हैं। मन का ही तो आडंबर है, मन का ही तो खेल है, मन का ही तो खेल है भाई भाई में छल करता है, मन का ही तो खेल है देरान जेठान में खेल करता है, मन का ही तो खेल है पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, ये मन से चालू होता है। अगर मन ठीक हो जाता है तो बाकी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन मन को नहीं साधते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को सिर्फ साधना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, यदि मन को साधते हो तो सब सद जाता है। जैसे एक आदमी मूल को सींचता है, मूल को सींचना मतलब है एक पेड़ के जड़ में पानी डालता है तो फूलता है फलता है, ठीक ऐसे ही मन को साधना है। मन का ही चक्र है ये। मन में द्वेष का भाव आता है, भाई और भाई आपस में प्यार से बात नहीं कर पाते हैं। मन में द्वेष का भाव आता है, माता पिता आपस में नहीं मिल पाते हैं। मन का ही खेल है। मन को जितना ही हम शोधते हैं, मन को ही जितना ही हम परमार्जित करते जाते हैं, उतना ही हम आत्मदशा में जाते हैं। और जितने भी आध्यात्मिक केंद्र है मन पर है। कुछ लोगों को तो मन की बातें समझ में भी नहीं आती है, बिना मन के कुछ नहीं होता है। जब तक हम मन को नहीं समझते हैं, मन को नहीं गढ़ते हैं, मन को नहीं छीलते हैं, तब तक हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते और अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। मन की व्यथा बहुत अजीब है, इसलिए मन को शोधना है। सदगुरु कबीर की बातें मन पर बहुत जोर डालते हैं। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, सदगुरु कबीर साहब बड़े बड़े लोगों को भी फटकार देते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा विराट पुरुष हुए, बीच में चर्चा आ रही थी कि जैसे हमारे संत कहे कि हर विषय पर चर्चा करना संभव नहीं है, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा हैं जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं और सभी पहल चमकदार होते हैं अपने आप में। हीरे के सभी पहल अपने आप में चमकदार होते हैं, ठीक सदगुरु कबीर साहब के हर पहल वैसे ही चमकदार हैं। चाहे अध्यात्म कहो, चाहे परमार्थ कहो, चाहे जिस क्षेत्र पर लो, चाहे धार्मिकता पर कहो, जिस क्षेत्र पर सदगुरु कबीर साहब का विचार रखेंगे, सभी विचार सदगुरु कबीर साहब के चमकदार होंगे। हीरे के 56 पहल चमकदार होते हैं, किसी भी पहल में कमजोरियां नहीं होती है, ठीक ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के विचार हैं। आज हम सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी तो कहलाते हैं लेकिन जीवन में आचरण नहीं हो पाता है। इसलिए बीच में कह रहे थे कि हम महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। उनकी बातों को मानना है, जीवन में आचरण करना। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आपस में जब तक जीते हैं आपस में प्रेम से जी ले, इससे बढ़कर के उपलब्धि कुछ नहीं होती है। आप कितना पैसा कमा लेते हैं ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आपके कितने बच्चे हैं, कितने परिवार हैं, कितने गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि है आपकी मन की दशा, आपकी उपलब्धि है आपके इष्ट जो हैं उनके साथ में आप कैसे मिलते हैं जुलते हैं, आपके परिवार के लोग आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपकी उपलब्धि है। ये यदि आप घर में हैं लेकिन आपके परिवार वाले चाहते हैं कि ये घर में ना रहें कहीं बाहर रहें, आप मतलब सही जीवन नहीं जी पा रहे हैं।
यदि आप नहीं हो और आपके घर वाले को बेचैनी हो कि कहाँ चले गए, मम्मी नहीं दिख रहे हैं, पापा नहीं दिख रहे हैं, भाई नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपकी उपलब्धि होगी। इसलिए आप अपने जीवन को ऐसे सोधिए, ऐसे बनाइए, मन को ऐसे रखिए, मन को मक्खन की तरह, कि आपके परिवार वाले आपको चाहे। आप जहाँ भी जाए, लोग आपसे मिले तो एक बार महसूस करें वास्तव में उस आदमी से मिला था, तो आदमी के अंदर एक आत्मीयता है, वो आदमी के अंदर एक प्रेम का बौछारा है। प्रेम ही तो समाज को जोड़ता है, प्रेम ही तो एक ऐसा चीज है जो कि आपस में भाई भाई, देरान जेठान, पड़ोसी आपस में प्रेम से रहते हैं। बिना प्रेम के समाज नहीं चल सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी सकरी है जिसमें दो नहीं समा सकता है। अहंकार और प्रेम नहीं हो सकता है, उजाला और अंधेला नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम से जीना है तो अहंकार को त्याग करना होगा, क्रोध का त्याग करना होगा। प्रेम आदमी को महान बनाता है। एक संत जो कि दिखने से बहुत ही खूंखार दिखता था, बहुत ही खूंखार, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, उनसे मिलना चाहते थे। उनके पास काम करने वाले सेवक कहते थे, तुम जिनसे मिलना चाहते हो उनको देख करके तुम डर जाओगे, इतना विकराल दिखता है, तुम नहीं मिल सकते हो, डर जाओगे। वो बच्ची जाती है और उनसे मिलती है। वो संत बच्ची को उठा लेती है प्यार से अपने गोद पर। बच्ची कहती है, मेरे पापा कहते थे आप बहुत विकराल है, बहुत डरावना है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेहरा को नहीं देखा, उनके भावों को देखा है। आदमी बाहरी उपलब्धि में अटक जाता है और जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है। यदि आदमी प्रेम को महत्व देता है तो धन किनारे चले जाते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं तो गाड़ी बंगले किनारे हो जाते हैं, आदमी सामने आ जाते हैं। प्रेम के अभाव में तो है, सबसे पहली कोई ससुराल में आती है शादी हो करके तो आपस में कितना प्रेम होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में दरार पैदा होना शुरू होता है। देरान और जेठान नहीं मिल पाते हैं, सास और बहू नहीं बात कर पाते हैं, आपस में दरारें पैदा होते चली जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम घटता चला जाता है। प्रेम एक ऐसा सूत्र है जो कि जितना ही बांटो और जितना ही दो वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। सदगुरु कबीर के बातों को मानने के लिए बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं है। एक और खास बात, सदगुरु कबीर के बातों को कोई भी मान सकते हैं और कोई भी आत्म उद्धार का काम कर सकते हैं। सदगुरु कबीर के बातें के लिए बड़ी पूजा की जरूरत नहीं है, बड़ी अर्चना की जरूरत नहीं है, बड़े यज्ञ करवाने की जरूरत नहीं है, बड़े लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। बस हम घर बैठे कबीर की साधना कर सकते हैं, घर बैठे कबीर को पूज सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब को कुछ विद्वानों ने तो अनपढ़ घोषित किया, कुछ लोगों ने तो शादीशुदा घोषित किया। भला ऐसा सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं, जो आज के व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, जिन बातों को सदगुरु कबीर साहब जिस समय लहरतारा में थे वाराणसी में, उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व चलता था, वहाँ ब्राह्मणों के बारे में कोई बोलते तो उंगली उनके जीभ काट दिए जाते थे। वहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते थे, धर्म करे जहाँ जीव बदत है, अधर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहे तो काको कहे कसाई। जीव मार करके हत्या करते थे। आज भी इस पढ़े लिखे जमाना में, शिक्षित जमाना में, आज भी मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, जानवरों की बलि दी जाती है। आप दंतेश्वर चले जाइए, यहाँ रुद्री चले जाइए, गंगरेल बांध, जहाँ आज भी पढ़े लिखे लोग कहते हैं, इन लोगों को क्या पढ़े लिखे लोग कहेंगे? जो नासमझ लोग हैं, जो अनाड़ी लोग हैं, जो पंडे और पुजारी के चक्कर में आकर के बलि चढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर साहब उस समय, जिस समय ब्राह्मणों को वर्चस्व था, उस समय इस सारी बातें कहते हैं। जो तोहरा को ब्राह्मण कहे तो किसको कहे कसाई? अगर तो कोई तुम्हें ब्राह्मण कहते हैं तो कसाई किसको कहा जाएगा? सदगुरु कबीर साहब बहुत विद्वान पुरुष थे और हर क्षेत्र में अव्वल थे। वो किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं थी कोई भी। उनका बोलना, उनका चलना, उनका हर क्रियाकलाप वास्तव में मानव भगवत्ता रूप था। सदगुरु कबीर साहब लोग
जो बातें कहते हैं वो कहते हैं तो कहते चले जाते हैं एक लय पर। कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का प्रार, जब क से कहना शुरू करते हैं तो कुंजन कुंभ कुम्हार का, देखिए कैसे उनका लय है, बोलने का तरीका है। और सद्गुरु कबीर को कुछ लोग अनपढ़ क्यों घोषित करते हैं? जो आदमी अनपढ़ होगा वो इस तरह की बातें कहेंगे? वेदों की बात कहते हैं, महापुराणों की बात कहते हैं, रामायण की, श्री राम की चर्चा करते हैं, ऐसे लोग सद्गुरु कबीर को नहीं समझ पाए। और सद्गुरु कबीर को समझना आसान नहीं, इसलिए मैं कहा कि सद्गुरु कबीर के बारे में बोलना उतना ही आसान नहीं है जितना ही कठिन भी है और बहुत ही आसान भी है। इसलिए हम सद्गुरु कबीर के बातों को समझे, जीवन में प्रेम से जीना है तो सद्गुरु कबीर के बातों को समझ करके प्रेम से कैसे जीना है, सद्गुरु कबीर के पुस्तकों को अध्ययन करें, उनके विचारों को देखें, सद्गुरु कबीर साहब के साखी ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करें, और एकदम कहना चाहिए कर्मकांड और पाखंड से अलग सद्गुरु कबीर का विचार है। बस खास बात यह है, सद्गुरु कबीर के विचारों में कहीं भी कर्मकांड नहीं है, थोड़ा भी कर्मकांड नहीं है। यदि हम जीवन में कर्मकांड की परिभाषा मैं बताऊं, कर्मकांड उसे कहते हैं जो कि सिर्फ किया जाता है लेकिन जीवन में आचरण ना हो, वह कर्मकांड हो गया। जैसे हम आज सत्संग कर रहे हैं, पाठ चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, यदि जीवन में आचरण नहीं है तो सब के सब कर्मकांड ही है। हम बात कड़वी है लेकिन सत्य है। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, किसी की भी पूजा करते हैं और जीवन में आचरण नहीं होते हैं, आचरण नहीं हो पा रहा है, तो हम सब के सब कर्मकांडी ही कहलाएंगे और कुछ नहीं करला सकते। इसलिए कर्मकांडी नहीं बनना है हमको, जीवन में आचरण भी करना है, तब हम यथार्थ में सद्गुरु कबीर के अनुयायी कहला सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विचार श्रवण हम कर रहे थे सद्गुरु कबीर साहब के बारे से। सद्गुरु कबीर साहब को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, डायरेक्टर। सद्गुरु कबीर साहब के वाणी में ऐसी व्याकरण संयुक्त नहीं है उनकी वाणी जो है भाषा, लेकिन वो शब्दों को कैसे अपने इसमें बांधना चाहते हैं वो सद्गुरु कबीर साहब जानते हैं। सद्गुरु कबीर साहब के वाणी को वो नहीं समझ सकते जो वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया होगा वही सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को ये निचोड़ को समझ सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने सब बातें दर्शन पक्ष में उन्होंने कह दिया। इसलिए ऐसा नहीं है कि सद्गुरु कबीर साहब ने ये नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने वे तो सब चीज़ पढ़े होंगे, तभी उन्होंने वेद और शास्त्र और पुराण सबकी बातें अपने बीजक में कह दिए हैं। इसलिए हमको सद्गुरु कबीर साहेब की जो असली ज्ञान है उसको यह नहीं समझना चाहिए कि कबीर साहेब के ज्ञान, कबीर साहेब जो है व्याकरण संयुक्त बात नहीं करते हैं तो वो कुछ नहीं जानते, ऐसी नहीं। कबीर साहेब जहाँ जहाँ गए उसी प्रकार उसी ढंग से वे, उनका भाषा, उनकी बोली जो है छत्तीसगढ़ी में भी है, भोजपुरी में भी है, हिंदी में भी है, सभी प्रकार के उनकी जो बीजक में सभी प्रकार के बोली में भाषा में मिलता है, तो कबीर साहब अवश्य पढ़े हुए होंगे। तो उस पर हमको नहीं जाना, जो सभी कबीर साहब का जो ज्ञान है, सत्य प्रेरणा है, सत्य ज्ञान है, संदेश है, उस सत्य के संदेश को अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। अब कार्यक्रम का अंतिम समय होने जा रहा है, अंतिम हमारे प्रवक्ता हमारे इस आश्रम के संत श्री सुधीर साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी सद्गुरु कबीर साहेब की जयंती पर अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। लगभग लगभग हर वर्ष ज्येष्ठ महीना या ज्येष्ठ पूर्णिमा तक गर्मी मिलती थी,
इस साल सदगुरु की कृपा है कि मौसम बहुत ठंडा है, और मौसम इतना ठंडा है कि श्रोता भी ठंडे हो गए हैं, है ना। तो थोड़ा गर्म हो जाएं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब इस जगती तल पे संसार में प्रचंड अग्नि के इस अवसर में प्रेम फुहारा लेकर के आए, हम सबके हृदय को ज्ञानामृत एवं प्रसन्नता से भरने के लिए उन्होंने अपनी बात कही। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोर से सदगुरु की जयकारा का उद्घोष करें। बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सदगुरुदेव जी, मंचासीन समस्त पूज्य गुरुजन एवं संत समाज, भक्त श्रद्धालुओं, भक्तिमय माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है आज के दिन ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर साहेब जी उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगरी काशी में उनका जन्म हुआ, उनका कार्यक्षेत्र भी वही रहा। और सबको ज्ञात होगा आज से ठीक 622 वर्ष पूर्व 1399 उसका जन्म हुआ, और वे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारी बातें कही, और इतनी बातें कह गई कोई ऐसा मंच खाली नहीं, कोई ऐसा धर्म स्थल खाली नहीं जहाँ पर उसकी वाणी की गूंज ना हो, क्योंकि हर क्षेत्र में उन्होंने बात कही। लेकिन आज मैं उसका बहुत ही सुप्रसिद्ध एक दोहा की चर्चा करूंगा, जो आप सबके जेहन में है और आप सब कभी ना कभी स्कूल में इसको पढ़े भी हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। और इसी से मिलता जुलता एक और दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू सी दोस्ती न काहू से बैर। सुनने में भी मिलता जुलता है और लगभग लगभग इसका भाव भी एक ही है। इस दोहा से यह स्पष्ट होता है कि सदगुरु कबीर किसी सभा सोसाइटी में बात नहीं करते हैं, सही कि नहीं। हम लोग उसके अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सभा लगा करके बैठे हैं ना, कबीर साहब ऐसा नहीं करते थे। तो क्या करते थे, वो जहाँ जिस चौराहे पे खड़े हो जाते, चार लोग मिल जाते, वही अपनी बात कहने लग जाते थे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की यह मौलिक चिंतन हुआ करता था कि जैसी परिस्थिति होती थी, जैसा माहौल होता था और जैसे लोगों का व्यवहार देखते थे, ज्यों का त्यों सत्य को वो कह देते थे, वहीं पर मुंह पर कहने वाले थे। और हम सब कैसे हैं, पीठ पीछे कहने वाले हैं। किसी की बात करनी होगी ना, निंदा चुगरी की बात करनी हो, किसी धर्म पर आक्षेप करने की बात हो, तो डंके की चोट पर नहीं कह सकते। अभी सुन रहे थे हमारे प्रवक्ता से कि उस समय सदगुरु कबीर काशी की नगरी, विद्या की नगरी, ब्राह्मणों की नगरी, जहाँ पर उनके अनुसार बोलना ही सत्य वचन माना जाता था, उसके विरोध में एक शब्द कहने पर भी जीव काट दिया जाता था, गले को काट दिया जाता था,
उसकी हत्या की जाती थी। ऐसे समय में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, एक है त्वचा हड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। उस समय जाति का धर्म का बहुत बोलबाला था। आज तो जन समाज के दृष्टि से कहें, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कहें, चाहे सरकार की व्यवस्था की दृष्टि से कहें, आज का मनुष्य स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या फिर उसकी चर्चा करने के लिए। आज किसी ब्राह्मण को कह करके देखिए कि शूद्र और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं, तो आपको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु कबीर साहब अपना मौलिक चिंतन देते थे, और इसीलिए देते थे क्योंकि वो अंदर और बाहर से एक थे। याद रखिएगा खास बात, क्या थे? अंदर और बाहर एक। और कबीर की क्वालिटी और हमारे में जो क्वालिटी है ना, जिसमें अंतर है, वही एक अंतर है। वो भी वही इंसान थे, हम भी वही इंसान हैं, बस वो क्या करते थे, वो जो अंदर है वही बाहर होते थे और जो बाहर है वही अंदर होते थे। उसके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं था, हम में बस यही एक कमी है, हम बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, यानी पता ही नहीं चलता। जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, पुरुषों की बॉडी लैंग्वेज जल्दी पता चलता है, किसी को देख करके बता देंगे कि इसकी मन में कौन सी भावनाएं हैं, लेकिन माताओं के चेहरा को देखकर आप इतनी जल्दी नहीं परख सकते कि उसके मन में कौन सी भावना चल रही है। शायद आज के जनरेशन माताओं से ये कला बेखूबी सीख गए हैं और सब लोग छुपाने लग गए हैं अपनी भावनाओं को। और क्यों छुपाते हैं? इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम सत्य की राही नहीं हैं। याद रखिए, क्योंकि जिस दिन हम सत्य के राही हो जाएंगे, उस दिन छुपाने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊं, जैसे यहां पर 50 विद्यार्थी बैठे हों, कोई भी सवाल अगर हल करनी हो, कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखना हो, कई मास्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे वयोवृद्ध मास्टर साहब भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम मास्टर नहीं तो विद्यार्थी तो हैं। अगर उत्तर सही है तो सबका उत्तर सही रहेगा ना, एक रहेगा, उसमें कोई अंतर रहेगा? समझ में आ रहा है ना? अगर उत्तर सही है तो सबके कापी में एक जैसा ही लिखा होगा, लेकिन अगर गलती है तो बगल वाले की गलती बगल वाले से भी मेल खाने वाली नहीं है। यही हमारे जीवन की वास्तविकता है, समझ लीजिए। अगर हम सच्चे हैं तो हम कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, कैसे भी जीवन जी रहे हो, हमारा मौलिक चिंतन, हमारा जीवन एक होगा। अंदर और बाहर दो नहीं हो सकता है, वो एक होगा। सद्गुरु कबीर साहब जी का मैंने वो दोहा कहा, कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ। सद्गुरु कबीर साहब बीच चौराहे में खड़े होकर के लुआठा पकड़े हुए। लुआठा जानते हैं ना, मसाल। पहले बिजली नहीं थी, मसाल था। वो कौन सा मसाल है? वो ज्ञान का मसाल है, और उस ज्ञान के मसाल को लेकर के वो ऐलान करते हैं, कोई है मेरे साथ चलने वाला? ये जो धाव होता है ना, धावक, तो उसमें एक दूसरे को सौंपते जाते हैं, उस मसाल को एक दूसरे को देते जाते हैं, उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरी इस ज्ञान की बातों को आगे बढ़ाने वाला, इस ज्ञान को कोई जीने वाला इस संसार में है? मानो इस मेरे मसाल को संभालने वाला कोई है? बहुत सारे लोग आ गए, कबीर साहब आपके मसाल को मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे दीजिए। सब लोगों ने आवाज़ लगाई, तो कबीर साहब ने एक पीछे और पंक्ति कह दी, क्या? जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। सब पीछे हो गए, अभी तक आगे थे, सब बोल रहे थे कि मसाल मुझे दे दीजिए, इस मसाल को लेकर के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। कबीर ने कहा, क्या? लेकिन ध्यान रखो, इस मकान मसाल को पकड़ते ही पहले तुम अपने घर को जलाओ। पहला काम क्या करना है? अपने घर को जलाओ। अब हम लोग क्या करते हैं जी? जस्ट उल्टा करते हैं। पहले हम दूसरे के घर जलाते हैं। दूसरे के घर जलाने का मतलब, यहाँ अलंकारिक कथन है, किसी की झोपड़ी के किसी को घर को जलाना नहीं है। दूसरे के घर को जलाने का मतलब है कि हम दूसरे को वह ज्ञान देने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए,
उसको हम जीते नहीं हैं, और जलाने का मतलब है उसको आत्मसात करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने की। तो आज बड़ी खुशी की बात है, सदगुरु कबीर साहब जी के इस 622वीं कबीर जयंती के पावन अवसर पर हम सब बैठे हैं, और इस विकट परिस्थिति में भी हम, ये सदगुरु की कृपा है जो आज उसके जयंती में बैठे हैं, इस कोरोना काल के समय को काट करके, इस विकट परिस्थिति को काट करके, इसका प्रूफ है कि आज हमारा किस्मत, हमारा भाग्य हमारे साथ में है, तभी आज हम बैठे हैं। और साथ साथ कहूँ, इस जो कबीर जयंती जब हम मनाते हैं तो पूरे भारत में इसको मनाते हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसको अपने अपने रूप में मनाते हैं, लेकिन हम कबीर आश्रम परसोदा में जब कबीर जयंती मनाते हैं तो कुछ वर्षों से पहले भी ये होता था, लेकिन जब से संत समाज हैं तब से इस आश्रम के व्यवस्थापक श्रद्धेय संत श्री संत आधार साहेब जी की पुण्यतिथि को भी इसमें सम्मिलित करते हैं और उसको मनाते हैं। यह हमारा जी ये कार्यक्रम क्या हो जाता है, जन्म से मृत्यु का मार्ग, ये तो जीवन है ना, जन्म शुरुआत है और मृत्यु हमारा जीवन का अंतिम छोर है, और हम इसीलिए दोनों को सम्मिलित करके इस मानव जीवन को समृद्ध करने के लिए ये महोत्सव मनाते हैं, इस कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए मैं श्रद्धेय संत श्री संत आधार साहेब जी को भी उसके पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए कि आज उनका दिया हुआ ज्ञान भी हमारे पास भी हैं, हमारे संतों का ज्ञान यहाँ फैला ना, हमारे संत ना अगर आए होते, श्रद्धेय संत श्री सचदेव साहेब ना आए होते, कंचन साहेब ना आए होते, संत आधार साहेब ना आए होते, और उनके माध्यम से अनेकों जो बड़े बड़े प्रबुद्ध संत महापुरुष आए यहाँ तक, सदगुरु अभिलाष साहब आए, प्रेम साहब आए, रामसूरत साहब आए, हम तो नाम नहीं गिना सकते, आप सबने उसका दर्शन किया, इतने बड़े बड़े विभूति ने जो आए, वो आए क्यों, क्योंकि जगह पाए, जगह किसके माध्यम पाए, जो यहाँ के रहने वाले संत थे उसका उनके मार्गदर्शन पे यहाँ के भक्तों ने बुलाया, क्यों बुलाए, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले संत थे आपके जीवन में ज्ञान का बीज बोया, जैसे अभी बरसात के दिन में आप खेत में बीज डालते हैं, खेत में बीज डालते हैं और वही बीज को काट करके आप खाते हैं, अगर हमारे संतों ने वो बीज नहीं डाले होते तो आज हमें यह संस्कार नहीं मिला होता, और आज यहाँ पर बैठ करके सत्संग का लाभ नहीं लेते। इसलिए उनका ज्ञान सूक्ष्म रूप में आप सबके बीच में विद्यमान है, और उन्होंने जो इतने बड़े आश्रम को बना करके या फिर जगह को दिए जिसके माध्यम से ये सब कुछ चल रहा है, और उन्होंने तो देकर के पेड़ लगा करके चले गए, क्या करके चले गए, पेड़ लगा करके, अब उस पेड़ को वो खाने वाले भी नहीं, फल को ना उसकी जतन करने वाले भी वो नहीं है, क्या करना है, इस आश्रम रूपी वृक्ष की रक्षा हमें करनी है, क्या करनी है, इस आश्रम रूपी वृक्ष की रक्षा हमें करनी है, और इस आश्रम रूपी वृक्ष की जो आने वाली फल हैं ज्ञान रूपी फल, उसका हमें भोजन भी करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब श्रद्धा और भक्ति बना करके, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, याद रखिए, जिस समय हमारे मन से संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति कम हो जाती है ना, यही हमारा मौलिक मूल्यांकन है, हम किसको मानते हैं, कितने मानते हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर में भक्ति का वो बीज है कि नहीं है, अगर भक्ति का बीज सही है तो फसल अच्छी होगी, अगर भक्ति की बीज अच्छी नहीं है तो फसल भी अच्छी होने वाली नहीं है। कबीर साहब ने कुलवाटी उलटवासी कही, माता मरे फल एक है, पिता मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि है, कहें कबीर विचार। माता के मरने से एक फल मिलता है, पिता के मरने से चार फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जब भाई मर जाता है ना तो जीवन ही तबाह हो जाता है। ये भाई क्या है, भाव नाम भक्त, भाई
भाव यानी हमारे अंदर की जो भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, अगर वो खत्म हो गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए श्रद्धा और भक्ति बनाए रखनी चाहिए और अपने जो इष्ट हैं, अपनी जो परंपरा हैं, उसमें आपको कड़ी आस्था होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। याद रखिए ये दो चीज़। आपका जो भी इष्ट है, आपका जो भी सद्गुरु है, उस पर आपको आस्था होनी चाहिए और उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है धर्म क्षेत्र में यही नहीं होता है। किसी स्त्री की पत्नी शादी हो गई तो पतिव्रता नारी वह कहलाएगी जो अपने पति पर पूर्ण आस्था रखती हो और उस पर विश्वास करती हो, सही कि नहीं? अगर अपने पत्नी पर, पति पर आस्था नहीं है तो वो फिर पतिव्रता स्त्री नहीं हो सकती। स्त्री तो है, पत्नी भी, पति भी है, लेकिन पतिव्रता स्त्री नहीं हो सकती। पतिव्रता स्त्री होने के लिए अपने पति पर आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है और प्रेम की जरूरत है। ऐसे ही जिस धर्म, संस्कृति और सभ्यता को हम मानते हैं उसके प्रति आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो, तभी आप सच्चे अर्थ में वहाँ से लाभ ले सकते हैं। अगर आस्था नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है, तो आपको अध्ययन करना चाहिए, आत्मशोधन करना चाहिए, कमी कहाँ है। अगर संतों में कमी है उसको बताइए, सही कि नहीं? अगर कि वहाँ पर कमी तो कहीं दूसरे संत से दूर जुड़ जाइए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि गलती मेरे में है तो मुझे सुधारने की ज़रूरत है, और अगर संतों में अगर कोई गलती है तो संतों का निर्देशन करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें अपनी परंपरा को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धर्म क्षेत्र में तीन सबसे बड़ा दोष है, संक्षिप्त में बताऊंगा, अपनी वाणी को विराम करूंगा, जिसके कारण आज धर्म धर्म नहीं रह गया, हमारी संस्कृति संस्कृति नहीं रह गई और हम अपने धर्म और संस्कृति को खो करके भटक गए। उसका कारण क्या है? पहला है लोभ, दूसरा है भय, है ना? पहला लोभ, दूसरा भय और तीसरा भ्रम। इन तीन कारणों के कारण ही व्यक्ति भ्रमी भटकता है। कैसे भ्रम हो गया? भ्रम कैसे हो गया? अभी हमारे संत गुरुजन बता रहे थे ना, कई बार प्रकार की बातें रहे, गला का बलिदान दे देते हैं और गला काटते हैं, कई प्रकार के बलि प्रथा थी। क्या हुआ? जरा आपको छोटा सा क्लू बताऊं, आप जब बढ़िया होते हैं ना तो कोई बात नहीं रहती, चलता रहता है। लेकिन आपके घर में कोई कदाचित खत्म हो गए, प्रकृति की व्यवस्था है, धन की हानि हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, या फिर बीमारी हो गई, ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई तो आदमी अपने धर्म से डिग जाता है। कैसे? डॉक्टर से इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, मंदिर में गए, ठीक नहीं हुआ, किसी ने बताया जी मजार में चले जाओ, वहाँ पर एक चादर ओढ़ा दोगे, काम बन जाएगा, सही है? किसी पादरी के शिष्य ने कहा कि देखो चार आमा में एक चर्च है, उस चर्च में जा करके आप 21 दिन तक प्रार्थना करो, निश्चित ही तुम्हारे शरीर का सारा रोग दूर हो जाएगा। देखिएगा वो सारा धर्म कर्म सब कुछ छोड़ देगा और सबसे पहला काम वह चर्च में जाकर प्रार्थना करने लग जाएगा। मैं उसको इतना ही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ईसाई धर्म गलत है, मैं ये भी नहीं कहूँगा मुस्लिम धर्म गलत है, मैं किसी धर्म के विरोधी नहीं हूँ और किसी धर्म को गलत नहीं मानता, अपनी अपनी जगह में सब ठीक है। लेकिन क्या अपने पति को छोड़कर के दूसरे पति के पास चले जाना कोई अच्छा कहलाएगा? और मैं इसको इसलिए कहता हूँ, आप अगर छोड़कर चले गए दो मिनट के लिए सही, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सही, तो क्या आपको अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर आपको भरोसा ही नहीं है? हिंदू में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, याद रखिएगा, शायद कभी हमारे आज़ादी के समय उतनी संख्या भी नहीं थी। हमारे देश की आज़ादी के समय पहले हमारे देश की आबादी भी 33 करोड़ नहीं थी, और उतने देवी देवता हैं, जितनी जातियां हैं उतनी उससे भी कई गुना देवी देवता हैं, और वो सारे देवी देवता मिलकर के आपके अगर रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन के दुख को दूर नहीं कर पा रहा है, तो क्या बताइए विदेश में बैठा हुआ भगवान आपको कुछ कर देगा?
ये भ्रम भ्रम में है ना। और भ्रम का दूसरा एक सबसे बड़ा कारण बताऊं, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, आज अवसर मिल गया ईसाई भाइयों के लिए, शायद यहां अगर बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं आपको। वहां सबसे ज्यादा जुड़ने वाले मैंने जाना है जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर किसी रोग से ग्रसित लोग हैं, वो लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं। शायद मूल्यांकन कर लीजिएगा, वहां जाने कर दवाइयां तो देते हैं, प्रार्थना करने का उसमें ढोंग डालते हैं और कहते हैं वहां जाने पर ठीक हो जाएगा। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और प्रथम हॉस्पिटल खोलने वाले ही हैं तो वो लोग ईसाई लोग हैं। जब प्रार्थना से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या पड़ गई। आपके धमतरी का बैठेना ले लीजिए, सही है कि नहीं। और हम जब यहाँ ठीक नहीं हो पाते तो इंग्लैंड और अमेरिका जाती हैं और वही हमारा ऑपरेशन करता है जो चर्च की मानने वाले ईसाई हुआ करते हैं, सही कि ना। इतनी बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री लेने की फिर क्या जरूरत थी। लेकिन समझ में नहीं बात आती है। मानता हूँ कि आस्था एक चीज है, प्रार्थना से आपके अंतर मन में और शरीर में प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से, लेकिन इसका समाधान इससे होने वाला नहीं है। मैं यही कहूँगा, आप जिसको मानते हैं उस पर आपकी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तो मैंने धर्म के क्षेत्र में तीन सबसे बड़ा दोष वो बताया, पहला भ्रम और दूसरा क्या है लोभ। लोभ दे देते हैं ना, लोभ के ही कारण तो जाते हैं ना, कह देंगे भाई इस पंथ में आ तो शराब और आप पिया तो बेटा सब ठीक हो जी के तन चल दिस फट से, सही कि नहीं। अब किसी धर्म से जाने मात्र से अगर शराब छूट जाए, सच में अच्छी बात है, मैं इसका मूल्यांकन समर्थन करूंगा। अगर किसी धर्म के या फिर किसी गुरु से जुड़ने मात्र से किसी की अगर दोष निर्मूल खत्म हो जाए तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है। जो हमारी समाज बिगड़ी हुई है उस समाज को ऐसे धर्म ऐसे धर्मगुरु की जरूरत है जिसके सानिध्य में जाने पर सारा नशा दूर हो जाए। लेकिन मानो इस बात को जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे छोड़ना तब तक वो दूर होने वाला नहीं है। भ्रम के कारण भय के कारण कुछ दिन तक आप छोड़ देंगे लेकिन जो आपकी गंदी आदत रहेगी आपको खींच करके वहाँ तक पुनः ले जाएगी, इसलिए वो भी सही नहीं। किसी प्रकार के लोभ में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर जीवन हम सबको प्रकृति ने परमात्मा ने दी है, कोई कमी नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है, कड़ी परिश्रम करने की जरूरत है। और यही एक कारण है जो लोग कबीरपन से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पाना बाहर से कुछ नहीं है, जो कुछ करोगे सब पाओगे। माताएं सब बैठी, थोड़ी सी एक बात बताऊं, आप सब उपवास रहते हैं ना, कमर छठ उपवास, करवा चौथ उपवास, एकादशी उपवास और न मालूम कितने प्रकार की उपवास। उपवास का मैं विरोध हुई यहाँ पर भी नहीं हूँ, लेकिन आप सब अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि हम इस उपवास को क्यों करते हैं। प्रभु का भजन, प्रभु जी का कीर्तन, मंदिर में हम उपासना करते हैं, गिरजाघर जाते, कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्मगुरु के स्थान पर जाते हैं, उपवास करते हैं, रोज सुबह शाम हम पूजा करते हैं, क्या इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, बताइए मुझे। पति ठीक रहे, बेटा ठीक हो, धन दौलत की समृद्धि हो, नौकरी बन अच्छी लग जाए, शादी जल्दी हो जाए, यही सब बात है ना। वो ऑलरेडी आपकी किस्मत में है, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आपकी जिसके लिए उपवास कर रहे हैं ना, वो उपवास करने की जरूरत नहीं है। आपके किस्मत में, आपके प्रारब्ध के खाते में पहले से वो रिस्टोर हैं, वो निकलने वाला बस है, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। और ये मत समझ लीजिए कि आप उपवास रह करके आपका डिमांड कुछ बदल जाएगा, मिलने वाले काला कल उठा तो गोले मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। काला ही मिलने वाला है, किस्मत में जो रहेगा ना, यानी जिसको आप मांगते हैं वो आपको आपके खाता में अकाउंट में है। जैसे बैंक हो और बैंक में आपने करोड़ों रुपये रखा है, वही तो निकालेंगे ना, उसको मांगने की जरूरत है किसी के पास? बैंक में जाइए, चेक ड्रॉ कराइए, आप निकाल लीजिए। ऐसे ही आप जो मांगना चाहते हैं अपने परमात्मा से वो मांगिए मत, क्योंकि वो आपको मिला मुलाया ही है। और हम सब यही स्वार्थ करते हैं, बिना स्वार्थ का भजन करते ही नहीं हैं, कैसी भक्ति होगी? स्वार्थ से भक्ति होती है? हम अपने मनोकामनाओं, तुच्छ मनोकामनाओं को लेकर के मंदिर में जाते हैं, हे भगवान
ऐसा कर देना, वैसा कर देना, दुश्मन को मार देना, नो केस में जिता देना, मतलब हम डिमांड के लिए ही जाते हैं। सोचिए तो कितने कंगाल हैं। प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, फिर भी हम रात दिन केवल गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे कभी तो धन्यवाद देने के लिए मंदिर जाइए, कभी तो अभिनंदन करने के लिए मंदिर में जाइए, कभी तो प्रभु का भजन करने के लिए मंदिर में जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी कीर्तन आप टीवी में देखते हैं, वो एक भी कीर्तन और भजन करने के लिए नहीं, वहाँ तो डिमांड के लिए जाते हैं। डिमांड कब तक करते रहेंगे? सरकार से डिमांड करते, बच्चे थे तो बाप से डिमांड करते थे, थोड़े हुए तो सरकार से डिमांड करते हैं, और थोड़े बड़े हुए तो भगवान से डिमांड करने लग गए। हमारा डिमांड कभी पूरा होता नहीं। क्या करें? डिमांड करना बंद कर। अगर सुखी होना है तो सद्गुरु कबीर साहब ने हमें यही एक सूत्र दिया, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये मानकर चलिए, और यह सबसे बड़ा सद्गुरु कबीर साहब का मौलिक चिंतन है और एक सूत्र है। हमारे जीवन में संतोष आना चाहिए, और जिस दिन संतोष आना हो आ जाएगा ना, उस दिन फिर डिमांड करना बंद। ये डिमांड क्या कहलाता है? मतलब आप असंतुष्ट हैं। याद रखिएगा, मैंने संक्षिप्त की बात कही, हम कोई भी डिमांड रखते हैं, इसका इतना ही तात्पर्य है कि हमारे अंदर कामनाएँ हैं, डिमांड हैं, हम कुछ अपेक्षा रखते हैं। इसलिए आप प्रार्थना करिए, सुबह उठिए, रोज प्रार्थना करिए, लेकिन कैसे? तहे दिल से, हे प्रभु आपने इतना सुंदर मुझे जीवन दिया, इसको धन्यवाद देने के लिए आप भजन करिए, धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु को पाने के लिए आप प्रार्थना करिए। प्रभु को कोई पाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो सब धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति पाने का के लिए प्रार्थना करते हैं, सही है कि नहीं? तो थोड़ा चेंज कर देंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में चेंज आएगा। तीसरी बात मैंने कहा, पहला भ्रम, दूसरा लोभ और तीसरा भय। भय दे दिया जाता है। धर्म गुरु जितने भयभीत करते हैं, शायद दुनिया में उतना भयभीत करने वाला आपको दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिले। और भय के कारण ही कैसे भय कर देते हैं? तुम जल्दी मरने आएगा, एक जन पंडित लेकर के आ गए और कहे कि अमुक लगन में ही कराओ, या फिर ऐसा नहीं कराओगे, शनि को नहीं कटाओगे, या फिर ऐसा ऐसा हो गया है, 27.5 हो गया है, अब बच्चा जन्म लिया है, 27.5 हो गया, और इस इतने प्रकार के आपके मन में भ्रम डाल देता है, और उस भ्रम के चक्कर में आप ना चाहते भी क्या कहेंगे, साहब नहीं मानेंगे, लेकिन क्या करवे, वो कर दे थन कहीं चीनी हो, वो 1-2 हज़ार बस खत्म हो, सही कि नहीं? पैसा का मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम अंदर से कितना मजबूत हैं ये हमें दर्शाता है। जब हम अंदर से मजबूत रहेंगे, हमारा मनोबल मजबूत रहेगा और हमारा मन पवित्र रहेगा। आपको दो ही चीज़ बताऊंगा, आप निर्भय रहें और आपका मन निर्मल रहे, अगर दो चीज़ आपके पास में हैं तो तीसरे किसी जगह जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस सूत्र को आप याद रखिए। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करने का यही आपका एक मूल मंत्र देता हूँ कि आपका मन, हमारा मन पवित्र हो और हम निर्भय रहें। अगर निर्भय हैं और हमारा मन पवित्र है तो हम दुनिया के किसी कोने में जग चले जाएं, कहीं हमें सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज़ की कमी भी पड़ने वाली नहीं है। तो आज सद्गुरु कबीर साहब जी के इस जयंती के पावन अवसर पर आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने बरसात हम तो सोचे भी नहीं थे कितने लोग आ जाएंगे। संत साहब लोग कह भी रहे थे कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ आ जाया करती हैं, गुड़ रहते हैं वहाँ चिटियाँ आ जाती हैं, ऐसे आपके श्रद्धा और भक्ति हम नहीं बुलाए हैं, आपके श्रद्धा भक्ति ने सद्गुरु के लिए आपको समर्पित किए हुए हैं। इसलिए आप सबके अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं शत शत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति आपकी बनी रहे, भावना बनी रहे, संत गुरुजनों के पास आपकी जुड़े रहें, इसी के से हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे पर्श है, बहुत सारे क्षेत्रफल है जिसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन धर्म और भक्ति को चल करके ही हम शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और उसी के लिए इस आश्रम और इस व्यवस्था को बनाया गया है। आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देते हुए, और जिन भाइयों ने, जिन माताओं ने जो भी श्रद्धा भक्ति से यहाँ समर्पित किए हैं, मैं आज उसका नाम नहीं लूँगा, और आप सब ने जो जो भी
इस कबीर जयंती के भी पावन अवसर पर अपने ओर से कोई दाल, कोई चावल, कोई आटा, कोई पैसा, जो जो आप सबने दिया और आपके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और सदगुरु कबीर साहब के चरणों पर सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बाड़ी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत सुंदर विचार, कैसे हमें निर्भय रहना है और कैसे अपने जीवन को निर्मल बनाना है, इसके बहुत सुंदर सूत्र रूप में हम लोगों को जो ज्ञान दिया है, शिक्षा मिला है, उस शिक्षा को हमें जीवन में अपनाना है। समय बहुत हो गया है, कार्यक्रम समापन की ओर है, इसलिए हम थोड़ा 2 मिनट के लिए आभार रूप में हम हमारे कैप्टन टोला के जो गुरुजी आए हैं उसे आभार रूप में 2 मिनट हम थोड़ा से सुनना चाहते हैं। उसके बाद पूजा आरती कार्यक्रम होगा, उसके बाद समापन। बोलिए कबीर साहेब की, अभिलाष साहेब की, संत धार साहेब की, सद्देव साहेब की। बड़ी हर्ष का विषय है आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं इस आश्रम के में पधारे हुए संत समाज, इस आश्रम के संचालक पूज्य सुधीर साहेब जी, उमेंद्र साहेब जी, यहाँ पे आए हुए साधवी बहने, हमारे साहू समाज के उप प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गिरवर साहू जी, इस आश्रम के अध्यक्ष सामान्य खम्मन साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहन श्रीमती उर्मिला साहू जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हैं, पूज्य रेवती साहू जी ये इस ग्राम के शिरोमणि हैं, शांता देवी जी ये यहाँ पे इन लोगों के द्वारा ही यह जो गांव का और इस आश्रम का संचालन किया जा रहा है और वो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ और उपस्थित हैं सम्मानीय भगत राम साहू जी, दंतेवाड़ा से आए हैं, वे फॉरेस्ट विभाग के उच्च अधिकारी हैं और जितने भी इस आश्रम में पहुँचे हैं, गांव के अन्य गांव से आए हुए समस्त माताएं, बहनें, बहुएं, प्यारे प्यारे बच्चे और गांव के और जितने भी भक्त गण हैं मेरे साथ आए हैं केवटीन टोला से दिनेश्वर साहू जी, मैं इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को सत सत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे संत महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। कबीर साहेब वैसे मूर्ति पूजा को बहुत खंडन किए, मूर्ति पूजा के नाम से वो बहुत माने उसको चाहते नहीं थे और जाति पाति के भेदभाव को उन्होंने दूर किया। जाति जब मनुष्य जन्म लेता है तो केवल मानव के रूप में जन्म लेता है, उनको बाद में उनको जाति पाति का जो बताया गया नियम रास्ता, जैसे जैसे उन्होंने कर्म किया वैसे उनको जाति मिला। तो जन्म लेते समय सब मानव के रूप में जन्म लेते हैं और उनको हम ये अलग जात है, ये नीच जात है, ऊंच जात है, छुआछूत का भावना उन्होंने ये बिल्कुल भेदभाव नहीं रखा।
हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं, हम मनुष्य इसलिए कहलाते हैं कि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है, मानव में सोचने समझने की शक्ति होती है और हर चीज़ को भला बुरा छोटा बड़ा ऊंच नीच सब का भेदभाव मनुष्य जानता है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य के बराबर ये संसार में और कोई प्राणी नहीं है। नर्तन सम नहीं कौनों देही जीव चराचर जानते ही, मनुष्य के समान और संसार में 84 लाख जोनी में केवल मानव ही श्रेष्ठ है। तो मानव होकर हमको मानव का कर्म करना चाहिए और मानव के कर्म के साथ हमें ये चीज़ जो है जो संसार में जो चल रहा है उसको कई लोग पूजा देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्या जाते हैं मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा का वहाँ बारंबार जाके प्रणाम करना जरूर है, लेकिन उनके भक्ति भाव के कारण समान ही करना चाहिए और उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। विश्वास इसलिए किया जाता है कि जहाँ पे उनका नाम लिया जाता है उनके नाम के आधार से ही उनका पूजा किया जाता है। तो चेतन जीव का पूजा करना उचित है और बुरे कर्मों के परित्याग करना ही हमारा उपासना है। उपास लोग उपवास रहते हैं, अभी बता रहे थे संत महात्मा लोग उपवास क्यों रहते हैं कि हम गलत चीज़ का हम परित्याग करें, वही उपासना है। गुरु और माता पिता अपने से बड़ों के प्रणाम करना सेवा करना वही अच्छी सच्ची सेवा है। संसार में रहकर हमें मनुष्य की कर्म को करना चाहिए, बुरे कर्म का परित्याग करना चाहिए और हमेशा सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्या है, हमें सत्संग में बराबर बैठना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने कपड़े को उज्ज्वल करते हैं, बर्तन को उज्ज्वल करते हैं, घरों को झाड़ू बुहारा करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा का भी हमें साफ सफाई करना, ये जब सत्संग में नहीं बैठेंगे तो हमारा मन जो है स्वच्छ नहीं रहेगा। तो स्वच्छ जीवन के लिए हमें सत्संग करना जरूरी है और सत्संग में आकर ही हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। और आज जितने भी समय को देखते हुए हम तो घर से पानी के समस्या को देखकर स्थिति को देखकर नहीं आने वाले थे, लेकिन हमको यहाँ पहुँचने का हमें महात्माओं का और भक्त जनों का प्रेम मिला, इसलिए यहाँ पे जय हम किसी भारत से करके आ रहे थे। आने के बाद पूरा मौसम साफ हो गया तो घर से निकलते समय मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, मन में दुविधा नहीं करना चाहिए, जाना है मने जाना है, जो भी हो पानी बरसे धूप करे। सुख और दुख दो प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य सुख रहता है तो एकदम खुशी के से अपना जीवन एक चलाता है, लेकिन दुख आ जाता है तो भारी उनको मन में ये होता है कि कैसे करेंगे भाई, हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई। तो ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के बराबर है, कभी शरद तो कभी गर्मी, उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। हम हर प्रकार से समस्या को झेलें और समय को देखते हुए मैं आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा और यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदगी। हाँ, अब ये प्रवचन का जो कार्यक्रम है अब समाप्त होता है। कुछ मिनट लास्ट टाइम बार बार होते हैं, लास्ट टाइम हो जाती तो फिर आके फिर बैठे।